तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस, आज की वीडियो में काफ़ी अलग अलग डाटा पैक है भाई, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है इसमें। तो जैसे ही अगर हम लोग किसी भी एक आइटम को माइन करते हैं तो वो हमें देने वाला है डायरेक्ट एक स्टैक का क्वान्टिटी भाई। मतलब कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को माइन करोगे तो वो आपको देने वाला है एक स्टैक, मतलब कि अपने 64 दे देगा गाइस। अगर देखो यहाँ पर मैं वुड को माइन करता हूँ तो ये भी मेरे को आराम से दे देगा एक स्टैक। देख सकते हो ये भी मेरे को एक स्टैक मिल चुका है, काफ़ी औसम है भाई। देख सकते हो एक एक स्टैक मिलते रहेगा। और हाँ, अभी तक ये पॉकेट एडिशन के लिए नहीं आया है, आई थिंक ये अभी जावा के एडिशन के लिए शायद आज ही लॉन्च हुआ था, तो आज ही मेरे को मिला, तो आज ही बना दे रहे वीडियो, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और देखते हैं अगर पॉकेट एडिशन के लिए आता है तो मैं लाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं तो कोई क्रिएटर हूँ नहीं जो मैं पॉकेट एडिशन के मोड्स बना के दूँ, बस मैं खोजता हूँ और लेके आता हूँ बस। तो अगर आपके पास ध्यान में कोई क्रिएटर है तो आप लोग उसको जाके बोल सकते हो बनाने के लिए भाई, ठीक है। और देखो अगर इस फूल को मैंने तोड़ा तो ये भी मेरे को एक स्टैक मिल चुका है काफ़ी आसानी से। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं अभी स्टोन माइन करके, हमें स्टोन के टूल चाहिए। उसके बाद हम लोग डायमंड खोजते हैं और चलो देखते हैं क्या हम लोग एंडर ड्रैगन को किल कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टोन लेते हैं कोई स्टोन, तो यहाँ पे मेरे को स्टोन मिल चुका है। चलो यहाँ पे माइन करके देखते हैं। और सिर्फ हमें एक स्टोन को माइन करने की जरूरत है यार, अब एक स्टोन माइन करते ही हमें एक स्टैक का स्टोन मिल चुका है और आराम से हम लोग सभी चीज़ें की टूल बना सकते हैं भाई एक एक स्टोन से भाई। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम बच सकता है अपना यार, देख सकते हो। और चलो यहाँ पे अभी हम लोग बना लेते हैं स्टोन के टूल्स, तो यहाँ पे जल्दी से इसको बना लेते हैं। और उसके बाद हम लोग ढूंढने जाते हैं आयरन, उसके बाद हम लोग डायमंड ढूंढेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पे मैं बाकी सारी चीज़ें भी बना लेता हूँ। और यहाँ पे एक्स बनाना है मेरे को, और ये क्या बना रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग कहाँ रहता है भाई। चलो मैं थोड़ा सा स्टिक बना लेता हूँ जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर जल्दी से बनाते हैं एक स्टिक और यहाँ पर एक एक्स बना लेते हैं जल्दी से। देखो ये मैंने एक्स लगा दिया और हाँ ये देखो ये इसको मैंने बना लिया। और अभी इसको तोड़ के देखते हैं, यहाँ से ये क्राफ्टिंग टेबल को ले जाते हैं हम लोग। और देखो अगर मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ता हूँ तो ये भी मेरे को एक स्टैक मिलता है भाई साहब, देख रहे हो क्या ही बात है। तो हाँ बस यही एक प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग किसी को किल करते हो तो वो आपको एक स्टैक नहीं देता है, यही प्रॉब्लम है, बस खाने की किल्लत हो जाएगी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा। बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ से थोड़ा सा स्टोन ले जाते हैं और कहीं पे चलते हैं माइन देखने के लिए। कोई अच्छा सा मेरे को माइन मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग माइन कर लेंगे, क्योंकि मेरे को अच्छा सा माइन चाहिए जहाँ पे मेरे को सभी टाइप की चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो देखो मेरे को ये थोड़ा सा खुला जगह मिल चुका है और यहाँ पे अभी एक कोल दिख रहा है मेरे को, तो ये भी ले लेते हैं। और देखो एक ही बार में मेरे को एक स्टैक कोल मिल चुका है, ये देख लो कितने सारा कोल एक ही बार में मेरे को मिल जा रहा है, मतलब कि ज़्यादा कोल करने की माइन करने की जरूरत भी नहीं है, दो स्टैक कोल हो चुका है अपने पास काफ़ी आसानी से। और अभी मेरे को फिर थोड़ा सा स्टिक बना लेना चाहिए जिससे कि हम लोग थोड़ा सा और काम, फिर टॉर्च बना ले जिससे कि हम लोग थोड़े से माइन में जाएंगे और माइन में हम लोग थोड़ा सा माइनिंग करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग डायमंड खोज पाए, क्योंकि हमें डायमंड का आर्मर चाहिए भाई। और डायमंड भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, एक डायमंड तोड़ो और एक स्टैक डायमंड हो जाएगा शायद, देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। बाकी यहाँ पे मेरे को आयरन भी मिल गया काफ़ी आसानी से। और देखो यहाँ पे मेरे पास ये दो मैंने आयरन तोड़े और मेरे पास आ चुका है दो स्टैक आयरन, देख सकते हो। मतलब क्या ही बताऊं भाई, आराम से अपना दो स्टैक आयरन हो चुका है। बाकी अभी हम लोग जल्दी से फर्नेस बनाते हैं और फर्नेस में जाके इसको स्मेल्ट कर देना है हम लोग को, तो यहाँ पे जल्दी से फर्नेस लेते हैं। और ये फर्नेस मैंने ले लिया है, बाकी अभी हम लोग इसमें स्मेल्ट कर देते हैं इसको, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। और यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, कोल डालना है नीचे की ओर है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आयरन। तो आयरन पकने के लिए डाल देना चाहिए, लेकिन अभी देख सकते हो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग एक एक आयरन को स्मेल्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, और हाँ मेरे पास एक वूल, देखो मेरे पास 64 वूल कैसे आया भाई, क्योंकि मैंने एक सिप को मारा और उसका जो मुझे वूल मिला वो एक ही था, लेकिन मैंने उस वूल को रखा नीचे और मैंने इसको फिर माइन किया तो मेरे को एक स्टैक मिल गया भाई। तो ये देख सकते हो बिग ब्रेन भाई, देख रहे हो आराम से हम लोग एक एक सिप को मार के अपना बेड भी बना लिए और बाकी बेड बना लिया। अभी हम लोग थोड़े से फूल हटा देते हैं, कचरा हो रहा भाई, और देखो सेटिस्फाइंग लगता है ये देखने में। बाकी अभी आप यहाँ पे अपना आने वाला है भाई नौ आयरन, तो भी आप लोग समझ गए होंगे नौ आयरन का हम लोग क्या करने वाले हैं। नौ आयरन का बस हम लोग को एक ब्लॉक बनाना है और उस ब्लॉक को फिर माइन कर देना है। ये देखो मैंने यहाँ पे बना लिया एक ब्लॉक ऑफ आयरन और उसके बाद इसको माइन कर देंगे, तो अगर इसको हम लोग माइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे एक स्टैक ब्लॉक ऑफ आयरन, और एक स्टैक ब्लॉक ऑफ आयरन यानी कि आयरन ही आयरन, तो हमें कोई और को स्मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और देख सकते हो एक स्टैक आयरन आ चुके हैं हमें ब्लॉक के, और इसको जितना चाहे उतना हम लोग आयरन बना सकते हैं और हमारे पास अभी काफ़ी सारे आयरन आ जाएंगे। बट अभी हम लोग पूरा क्राफ्ट नहीं करते, क्योंकि पूरा क्राफ्ट करेंगे तो पूरा इन्वेंट्री अपना भर जाएगा आयरन से, तो अभी ब्लॉक में ही रहने देते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं, आयरन के जितने भी टूल्स हैं हम बना लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे आयरन के टूल्स बना लिए जितना भी बनते हैं, बाकी मैंने एक्स पी के एक्स सब बना लिया भाई। और देख सकते हो मेरा आर्मर भी बना लिया मैंने, पूरा यहाँ पे बना लिया पूरा क्या बोलते हैं इसको आयरन को। तो अभी इसको पहन लेते हैं जल्दी से, और हाँ जान लेते हैं आज के सॉफ्टवेयर सुखप्रीत सिंह को, जोयस को और करण को। तो शॉर्ट आउट टू ऑल ऑफ यू गाइस, इसी तरह से कमेंट करते रहो, और ऐसा आप लोग शॉर्ट आउट पाना चाहते हो जाकर अप्लाई कर सकते हो। चलो अभी हम लोग ढूंढ लेते हैं कोई अच्छे से माइन जहाँ पे गहरा हो, और देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग शुगर केन को तोड़ते हो भाई तो वो भी हमें स्टैग में मिलता है, काफ़ी मस्त बात है। और देखो अगर किसी भी चीज़ को आप लोग जो भी चीज़ को तोड़ोगे वो आपको स्टैग मिलने वाला है, देख लो यहाँ सैंड को भी मैंने वो भी मेरे को स्टैग में मिला। बस यहाँ पे कोई मूव वगैरह को किल करते हो तो उनका लूट आपको नहीं मिलता है, देखो जैसे मैंने इसी को किल किया तो मेरे को उसका एक ही मीट मिलता है, बस यही प्रॉब्लम है, मीट का किल्लत हो गया भाई। और देखो यहाँ पर जल्दी से रात भी हो गई, तो जल्दी से मैं हो जाता हूँ यहाँ पे बेड लगा करके, और बस सुबह चलते हैं कोई अच्छा सा माइन ढूंढते हैं। और देखो भाई बेड को मैंने थोड़ा, बेड भी एक स्टैक मिल चुका है मेरे को, कितना सारा बेड का क्या करना है, मेरा इन्वेंट्री भर दिया पूरा बेड ने। ओके चलो अभी जल्दी ढूंढ लेते हैं एक अच्छा सा माइन,
ओके, मेरे को ये माइंड काफ़ी ठीक लग रही है। देखो नीचे गहरा भी है, चलो यहाँ से कूदते हैं नीचे। और पानी भी था भाई, तो बच गए। अभी हम लोग ढूंढना पड़ेगा कुछ डायमंड, तो उसके लिए हम लोग जाना पड़ेगा माइनिंग करने के लिए। थोड़ा सा ऊपर में ही है, बाकी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हो 15 लेवल पर हम लोग माइन करते हुए नीचे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग करने वाले स्ट्रेट माइनिंग, तो देखो जल्दी जल्दी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। तो काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद देखो अभी तक कुछ मिला तो नहीं है, बट मेरे इन्वेंट्री बहुत जल्दी जल्दी भर जा रही है भाई। बाकी सारे मेरे कवरस्टोन पीछे ही रह गए अभी तक। तो अभी तक मेरे को करीब करीब 45 मिनट्स हो चुके हैं माइनिंग करते करते, और अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। और देखो यहाँ पे फाइनली कुछ हो गया, यहाँ पे पानी निकल रहा है, और ये कोई केव में हम लोग पहुँच चुके हैं, और छोटे बहुत नीचे लेवल में। और देखो उधर लावा के साथ डायमंड भी हमें मिल चुके हैं। काफ़ी जगह मेरे को लावा मिला बट वहाँ पे डायमंड नहीं थे, बट फाइनली यहाँ पे डायमंड मेरे को मिल चुके हैं। अभी हम लोग इस डायमंड को माइन कर लेते हैं। जल्दी से यहाँ पे टॉर्च लगाओ भाई, और टॉर्च लगाओ यहाँ पे, टॉर्च लगाओ, और जल्दी जल्दी यहाँ पे उजाला करो, कोई पीछे से मत आ जाना धप्पा मारने के लिए। और यहाँ पे अभी जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर लेते एरिया को। और अभी मैंने जितना भी कूड़ा कचरा था मेरा इन्वेंट्री में सारा फेंक दिया है, और अभी माइन करते हैं डायमंड। और देख सकते हो एक माइन डायमंड करते ही हमें दो स्टैक डायमंड मिल चुके हैं आराम से, और देख सकते हो दो दो स्टैक डायमंड हो चुके हैं। बट आदमी का लालच बहुत बुरा होता है भाई, तुमको पता होगा, मेरे दो स्टैक डायमंड से आराम से काम चल सकता है, लेकिन नहीं, मेरे को तो बनाना है ब्लॉक। इसको बनाएंगे हम लोग ब्लॉक, और इसको डबल करेंगे, डबल ट्रिपल कर देंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक बना दिया, और ये ब्लॉक को अभी हम लोग माइन करने वाले थे, देखते क्या होता है। ओके, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रख दिया, और अब इसको माइन करके देखते क्या होता है। तो ये 1, 2 एंड 3, और देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक भी अपना यहाँ पे एक स्टैक मिल चुका है, यहाँ एक स्टैक डायमंड के ब्लॉक। यानी कि अब हमारे पास है अनलिमिटेड डायमंड भाई, डायमंड की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी जल्दी से हम लोग पूरी तरह से डायमंड की जवान बना लेते हैं भाई। देख लो मैंने एक्स बना लिया, पिकक्स बना लिया, सॉर्ड बना लिया, और पूरा पूरा आर्मर भी डायमंड का बना लिया है। बस हम लोग इसको वेयर कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेदर पोर्टल बना करके हमें नेदर में जाना पड़ेगा। तो ये आज के ज़माने में आयरन कौन पहनता है यार, आयरन फेंको, ये सब फालतू फालतू चीज़ हम लोग नहीं पहनते। हटो यहाँ से, ये फेंको, इसको फेंको, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और कहाँ गया जूता चप्पल दे दो। ये देखो देखो पूरा हम लोग पहन लिया, और ये सारा कूड़ा कचरा हम लोग नहीं रखते भाई। ये देखो हट जाओ, तुम भी जाओ, जाओ तुम। और डायमंड मेरे पास क्या कर रहा है, इतना डायमंड मेरे पास कोई फर्क मतलब नहीं है। डायमंड फेंक देते हैं लावा में, देख लो लावा में हम लोग डायमंड फेंक दे रहे हैं, और ये आयरन का चीज़ें भी फेंक देते हैं डायमंड में, मतलब लावा में फेंक देते, कोई काम का नहीं है। बाकी मैंने यहाँ पे गोल्ड को डाल दिया फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए। बाकी गोल्ड जब तक स्मेल्ट होता है हम लोग यहाँ से ऑक्सीडियन ले लेते हैं। गोल्ड मैंने इसलिए स्मेल्टिंग में डाला क्योंकि हमें नेदर जा करके ट्रेडिंग करनी है पिलियन से, जिससे कि हम लोग एंटरपल ले सके। बाकी यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ऑक्सीडियन को तोड़ देते हैं, और ऑक्सीडियन में मेरे को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीडियन तोड़ना है, और उसको मेरे एक स्टैक ऑक्सीडियन बना देगा उसको खुद ही खुद। तो काफ़ी देख सकते हो एक स्टैक ऑक्सीडियन, यानी कि हमें पूरा ऑक्सीडियन माइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अभी मेरे को एक बकेट बनाना पड़ेगा, तो बकेट बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास कोई फ्लिंट एंड स्टील है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे को फ्लिंट कहीं नहीं मिला था, तो मेरे को अभी यहाँ पे नेदर पोर्टल को एक्टिव करने के लिए थोड़ा दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। जल्दी से यहाँ पे नेदर पोर्टल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनाते हैं एक दूसरा तरीका जिससे बिना हम लोग फ्लिंट के जला पाए, इसलिए हमें वाटर बकेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जल्दी से पोर्टल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और इसको भी करो भाई। ओके, और पता नहीं मैंने कैसे छलांग मार के आ गया भाई इधर, एक रो नीचे दावा था यार, मैं कुदक जाता अभी नीचे अंदर, पता नहीं कैसे आ गया। इसको ढको, और चलो अभी मैं बना लेता हूँ जल्दी से, वो काम कर लेते हैं जो हम लोग करना है। तो अगर आपको बनाना है, अगर आप लोग भी इसको बिना नेदर पोर्टल फ्लिंट के एक्टिव करना आता ही होगा, काफ़ी लोगों को आता होगा, तो बस मेरे को पता नहीं था, बस मैं थोड़ा सा सीख रहा था। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लावा का बकेट डाल देना, इसके पीछे दो कुछ ही स्टेप से बने हुए होंगे, कुछ ही स्टेप से बना लेना भाई गैप पीछे, और उसके बाद आपको एक लावा का बकेट बना डाल देना है इधर की ओर, ठीक है। सिंपल आपको डाल देना, और वुड लेना है, और वुड को कुछ इस टाइप से लगा देना है, दो वुड को कुछ इस टाइप से लगा दो बस। अब थोड़ा देर वेट करना, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम होता है। बाकी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता मेरे हिसाब से, तो बाकी तब तक हम लोग अपना इन्वेंट्री का कचरा कूड़ा सब फेंक देते हैं लावा में, हम लोग ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी अभी तक तो एक्टिव नहीं हुआ, और ये देखो एक्टिव हो चुका है भाई, मतलब थोड़ा सा इन्वेंट्री खोला तुरंत एक्टिव हो चुका है अभी लावा। अभी हम लोग जाते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या होता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ये पूरा हटा देते पीछे से लावा, जब क्योंकि अगला बार हम लोग आए तो कहीं मर ना जाए। बाकी यहाँ पे गोल्ड भी मेरा स्मेल्टी ने डाला था, और जो कि मेरा हो चुका आई थिंक काफ़ी, तो हमें सिर्फ 9 चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 9 का एक ब्लॉक बना लेता हूँ। बाकी हम लोग मिल जाएगा काफ़ी सारा गोल्ड आराम से, जिससे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी मैं गोल्ड को डबल कर लेता हूँ जल्दी से, ये देखो यहाँ पे जल्दी से गोल्ड को रखते हैं और डबल कर लेते हैं जल्दी से उसको भी। तो कहाँ गया गोल्ड का एक ब्लॉक है हमारे पास, तो इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, कहाँ रख दे भाई इधर लावा के अंदर, पता चला छलक के चल गया। तो यहाँ पे रखो और इसको माइन कर देते हैं, और देख सकते हो तो एक स्टैक आ चुका है अभी गोल्ड का ब्लॉक, तब पूरा हो चुके हैं अमीर भाई। तो चलो अभी ये देखो स्केलेटन का आवाज़ भी आ रहा है, जल्दी से यहाँ से निकल लेते, पता चला स्केलेटन आके ढक्का मार दिया यार लावा के अंदर। बाकी ये पहले पत्थर उत्थर फेंको यार, ये बाहर फेंको, बहुत बेकार बेकार कचरा मेरे पास है। बाकी यहाँ पे स्केलेटन का आवाज़ आ रहा है, तो जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी से निकलो। अरे स्केलेटन आ गया भाई, और देख रहे हो बेचारा लावा के अंदर, अरे यार ढकेल देता है नीचे, देखो लावा के अंदर खुद तो मरा, मेरे को भी ढकेल के चल गया। बाकी चलते अभी नेदर पोर्टल के अंदर, देखते क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अचीवमेंट तो आ चुकी है, बट मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, ये अंधेरा क्यों है माँ, अरे यार कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ गया भाई।
कि मेरा शेडर को बंद करने, तो शेडर सपोर्ट नहीं करता है भाई नेदर में। ओके बंद कर दिया मैंने शेडर को, और देख सकते हो भाई साहब, मतलब किस्मत देख रहे हो भाई, बगल में ही दे दिया नेदर फोर्ट्रेस। मतलब इतना अच्छा किस्मत पहली बार मेरा हुआ यार, वरना कितना दूर दूर तक भटकना पड़ता है नेदर फोर्ट्रेस के लिए मेरे को हमेशा। इस बार पहली बार बगल में ही दे दिया यार नेदर फोर्ट्रेस। चलो अभी ऊपर चलते और देखते हैं यहाँ पे कहाँ प्लेस मिलता है हमें, और उसके बाद हमें थोड़ी सी एंटर पर भी जरूरत पड़ेगी, तो वैसे हमें ऊपर जाना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि आगे तो रास्ता है नहीं। चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं, और मैं जा रहा था जल्दी से खोजता हूँ कोई ब्लेज ब्लो स्पॉनर। और बाकी यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे चेस्ट भी मिलेंगे, लेकिन उनका मेरे को कोई ज़रूरत तो है नहीं, बस मेरे को ब्लेस चाहिए। और इंटर खोज लेते हैं इन सभी को, और यहाँ पे मैं मार्क लगाते हुए जाता हूँ जिससे हम लोग वापस आ सके। बाकी मैंने काफ़ी जगह ढूंढ लिया, लेकिन मेरे को कहीं ब्लेस तो स्पॉनर नहीं दिखा, बट यहाँ पे हमें ब्लेस की आवाज़ आ रही थी। चलो यहाँ से ऊपर चलते और देखते क्या हो रहा है भाई ऊपर, क्योंकि अभी तक कोई ब्लेस मेरे को नहीं दिखा यार, पूरा पोर्टल ढूंढ लिया मैंने। और देखो ये देखो यहाँ पर काफ़ी चार चार विलेज है भाई, दूसरा विलेज क्या कर रहे हैं मेरे को। अरे यार कहाँ जाओ कहाँ जाओ, सामने लावा, इधर भी रास्ता नहीं है यार, कहाँ जाए, पूरा आग लगा दिया यार। चार चार विलेज कौन स्वागत करता है यार, ऐसे का मत करो, देख लो मेरा हेल्थ देख लो, और यहाँ से भागो। अरे भाई साहब ये छोटू भी आ गया मेरे को मारने के लिए, अरे मत मारो यार मेरे को जाने दो, ये भागो यहाँ से। ओ भाई साहब बचे थोड़ा सा एकदम HP पे, ओल्लू नहीं मार पाया। अरे भाई साहब अभी मार रहा है यार, मेरे को जाने दो मेरे को जाने दो। अरे भाई साहब अरे आकर भी पूरा एकदम आँख पे कुदक गया, और एक हेल्थ फूक फू फू फू। अरे बूझ जा बूझ जा, अरे भाई बूझ गया बूझ गया, तू मत मार, खाना खाने दे मेरे को, जनरेट होने देते भाई। और मेरे को जल्दी से एक गोल्ड का हेलमेट भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम ये ज़्यादा हमला ना करें, जल्दी से उसको बना लेते। तो एक गोल्ड का हेलमेट बना लिया, जिससे कि ये पिकलिंस आके हमला ना करते रहे बार बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा, मैंने ज़्यादा फूड भी नहीं लेके आया भाई। और एक सील भी बना लेते हैं, जैसे कि कोई अगर आता है तो उसको हम लोग बच पाए, क्योंकि यहाँ पे सुअर रहते हैं भाई, काफ़ी भयानक भयानक सुअर है, जिसको पहन लेते हैं। बाकी हम लोग गोल्ड का हेलमेट पहन लिया और सील भी लगा लिए। बाकी सामने की ओर मेरे को दो पिकलिन दिख रहे थे, चलो सबसे पहले जाके उनके ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्लेज रॉड लेने के लिए। ओके तो ये लोग देखो दोनों यहाँ पे घूम रहे हैं। बाकी मेरे पास गोल्ड काफ़ी सारा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो लो तुम लोग जितना ले सकते हो गोल्ड ले लो, और कुछ होल सेल रेट लगाना ठीक है, अच्छा रेट लगाएगा समझे। ओ अंकल जी आप भी आइए, आप भी आइए, एक आइए आइए आइए, यहाँ पे आकर के होल सेल रेट दीजिएगा ठीक है, अच्छा थोड़ा सस्ता दीजिएगा। और तुम उधर कोपचा में कहाँ ट्रेड करो भाई, इधर आ जाओ, इधर इधर हाँ इधर आके सब ट्रेड करो। दो ही लोग हैं यार, बहुत कम लोग हैं, बाकी अच्छा चीज़ दो यार, इतना का बेकार बेकार चीज़ नहीं चाहिए। अभी तक देख लो मैंने काफ़ी देर ट्रेड कर लिया इन लोगों से, लेकिन अभी तक इंटरपल नहीं दिया, बस इन लोगों ने मेरे को एक चीज़ अच्छा दे दिया, किसने फायर प्रोटेक्शन का पोशन दे दिया है। और इस फायर प्रोटेक्शन को पोशन के साथ हम लोग जाके ब्लेज से लड़ सकते हैं, देख लो ऊपर ही स्पॉनर है। तभी हम लोगों ने फायर प्रोटेक्शन का पोशन ले लिया है, और अभी हमारे पास कुछ और पोशन भी आ चुके हैं भाई फायर प्रोटेक्शन के, तभी हम लोग ब्लेज से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें तो अभी कोई डैमेज होने वाला नहीं है। बाकी सामने को लावा है यार, इसको पार कैसे करें, वही तो प्रॉब्लम है। क्या मैं तो भूल गया था मेरे पास फायर प्रोटेक्शन है, मेरे को डैमेज तो होगा नहीं, इसलिए घुस जाता है आराम से। बाकी इसको मारो जल्दी से, काफ़ी ये भी एक अटैक दे देता, लेकिन ये अटैक नहीं देगा यार। देखो यहाँ पे कहाँ गिराया इसने, गिराया। चलो मेरे इन्वेंटरी फुल है इसको फेंको। और देखो अभी मिल चुका है हमें ब्लेज रॉट अपना, तो मैं जल्दी थोड़ा सा यहाँ पे किल कर लेता हूँ ब्लेज को। बाकी हमारे पास कुछ है पोशंस और भी, अभी फायर प्रोटेक्शन के तो हमें कुछ होगा नहीं, जल्दी जल्दी इनको किल कर लेते हैं। तू भी मर कहाँ भाग रहा, रुक, इसका ब्लेज रॉट मिल गया मेरे को। चलो काफ़ी सारे ब्लेज रॉट हो जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, तो मैंने वहाँ से ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए 10, और बाकी का यहाँ पे फिर ताकि मैं ट्रेडिंग करने के लिए मुँह उठा करके कि मुझे कोई एंटर पल दे दे। बाकी मेरे पास जितना सामान था मैंने कूड़ा कचरा फेंक दिया या लावा के अंदर। बाकी ये देख सकते हो अभी हमारे पास देख रहे हो कितना सारा चीज़ें हो चुकी है। बाकी हमारे पास देख सकते हो लास्ट में हम लोग आ चुके हैं, और अभी देखो यहाँ पे मेरा कूड़ा कचरा से पूरा भर दिया है मैंने कुछ मारे, और अभी मेरे पास आ चुके कुछ एंडर पल्स ट्रेड करने के बाद। और मैंने यहाँ पे एक मेरे को ग्रेवल मिला था उन लोगों से, उससे मैंने फ्लिंट निकाल लिया, और अभी मेरे पास एक आ चुका है फ्लिंट एंड स्टील, जिसकी मदद से अब हम लोग यहाँ से पोर्टल बना के डायरेक्ट निकलते हैं, क्योंकि हमारे पोर्टल मतलब भुला गया पता नहीं किधर चल गया। तो हमारे पास ऑक्सीजन था ही पहले से, और बाकी इन लोगों से ट्रेड करने के बाद भी मेरे को काफ़ी सारा ऑक्सीजन मिल गया, तो उससे मैं आराम से बना के निकल रहा हूँ यहाँ से ठीक है। तो चलो यहाँ से वापस पहुँच गए, और देख लो भाई क्या ही बात है, फिर केव के अंदर स्पॉन हो चुके हैं, तो अभी हमें वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे हमें मिलेगा भाई देखने को। चलो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ऊपर की ओर, और अभी वहाँ हम लोग आई ऑफ एंडर बना लेते हैं जल्दी से, और आई ऑफ एंडर बनाने के बाद हम लोग चलते हैं देखते हैं कि कहाँ हमें मिलेगा अपना एंड पोर्टल भाई। तो एंड पोर्टल ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगता है भाई, पता नहीं क्यों इतना देर दूर दूर रहते हैं यार ये सब चीज़ें। तो जहाँ पे बना लेते हैं आई ऑफ एंडर कितने बना ले भाई, ओके 10 बना लेते हैं आई थिंक, इतना काफ़ी होगा, बाकी का छोड़ देते इधर ही। चलो तो अभी चलते हैं यहाँ पे एंड पोर्टल ढूंढने के लिए, यहाँ देखो उस को बता रहा है, बाकी मैं आपको देखता हूँ कि मिलते कि नहीं मिलते ठीक है। तो मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ जहाँ पे ये मिलेंगे मुझे। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया क्योंकि मेरे पास फूड नहीं था, और मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील था, मेरे को आइडिया आ गया भाई कि इनको थोड़ा जला जला के मारते हैं, कम से कम हमें अगर पका हुआ फूड मिल जाएगा, फर्नेस में जलाने का टाइम नहीं रहेगा मेरे पास। तो देख लो यहाँ पे मैंने, और ये देख लो 200 IQ का हो यार, पानी में डूब जाती है, रुक
और यहाँ पे आप लोगों को देखो अभी ये थोड़ा सा दिशा बदल रहा है अपना आई ऑफेंडर, तो आई थिंक यहीं पे होगा, चलो नीचे जाके देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है यहीं पे होगा, बाकी यार फिर आई ऑफेंडर भी नहीं मिला यार, कहाँ ही बात है। और देखो उधर कोई स्ट्रक्चर टाइप का कुछ सामने दिख रहा है मेरे को, तो देख लेते क्या है। और देखो ये शायद यही है भाई, वो देख रहे हो पत्थर, पानी के अंदर मेरा एंड पोर्टल दिया यार। और यहाँ पे हम मर रहे भाई, मेरे को ऊपर निकलने दो, नहीं मरना मत, मरना मत, मरना मत, बहुत दूर है भाई इस तरह। तो बच गए, बच गए, बच गए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मरते मरते बच गए। और देखो नीचे की ओर अपना एंड पोर्टल पता मिल गया भाई, तो अभी नीचे जाना है सीधा, चलो जल्दी से चलते हैं नीचे, और होप सो कि हम लोग बच जाए नीचे जा करके। तो चलो जल्दी से निकलो भाई। ओके ओके ओके, जाओ अंदर। और देखो तो आई स्पाई का हमें अचीवमेंट आ चुका है, यानी कि हम लोग पहुँच चुके हैं अपने एंड पोर्टल में। तो अभी जल्दी से यहाँ पे हमें पोर्टल रूम को खोजना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। तो काफ़ी देर हो गई भाई, पोर्टल रूम मिल ही नहीं रहा, इतना दूर घूम लिया मैंने, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे एक दो, और यहाँ पे कितने सारे क्रीपर कहाँ से आ गए भाई, हाँ भंडारा चल रहा है यहाँ पे, भंडारा चल रहा है। देख लो एक दो क्रीपर फट गए, तीसरा क्रीपर यहाँ आ गया, तीन जेली फिश आ गई भाई। अरे हट ना जाने, अरे हट जा, सिल्वर फिश जेली बोल दिया इसको, सिल्वर फिश हट। और इधर डबल ट्रिपल चावल हो रहे, और तू यहाँ पर भाग लेने आया, निकल यहाँ से। हाँ देख लो मेरे हेल्थ कितना कम कर दिया यहाँ पे, सबसे पहले मेरे को रिस्पॉन पॉइंट सेट करने दो, वरना अगर यहाँ मरे तो बहुत बेकार हो जाएगा हमारे साथ। चलो यहाँ पे जल्दी से बैठ जाते हैं। बाकी मेरे को फाइनली मिल चुका है अभी पोर्टल रूम, देख सकते हो। बाकी इसको जल्दी से यहाँ पे तोड़ देते हैं स्पॉनर को, और तू यहाँ पे क्या करना है, निकल निकल। और मेरे को जल्दी से वो बेड लेकर आ जाना चाहिए यहाँ पे, जिससे कि हम लोग बार बार यहाँ स्पॉन हो पाए आराम से, अगर मर भी जाते, क्योंकि मेरे को कोई विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि हम लोग एंड में बचेंगे। ठीक है, बाकी मेरे पास जितने एंडर पर्ल थे मैंने इसे बना लेता हूँ, बचे हुए आई फेंडर, और इसको लगा के चलते सीधा पोर्टल। और देखो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी एंड में, तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से ऊपर, और चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देख रहे हो एक एक स्टार्ट, अभी भी एंड स्टोन मिल रहे हैं, तो चलो जल्दी। सबसे पहले तो मैं वो क्रिस्टल तोड़ना पड़ेगा, और मैं पहले बता दूँ पहली बार मैं आ रहा हूँ सर्वाइवल में एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंडर ड्रैगन को कैसे मारते हैं। ठीक है, बस मेरे को पता है क्रिस्टल तोड़ना पड़ता है, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्रिस्टल फोड़ने का भी। ठीक है, तो मेरे को बस ऐसे ब्रिज करके आऊँगा और क्रिस्टल तोड़ के जाऊँगा, यहाँ से क्या करके लग जाते हैं। तो ज़्यादा छोटा टावर नहीं था, लेकिन बहुत गंदा खा गया, हमारे पास ज़्यादा फूड भी नहीं है, पता नहीं अब कितना बार मरने वाले इस पर, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंडर ड्रैगन को मारने का, और मेरे को भी पता नहीं इतना स्ट्रैटेजी, धीरे धीरे खेलते खेलते ही पता चलेगा। और देख रहे हो एक बार में लग गया भाई, क्या ही बात है, निशाना तुक्का था वो, ऐसे मेरे को निशाना नहीं है। ठीक, चलो इसको मार के देखते हैं भाई। और देख लो यहाँ पर मैं आपको जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ सभी क्रिस्टल को तोड़ते हुए। ओके, यहाँ पे बस एक लास्ट क्रिस्टल बच रहा है, ये वाला देख सकते हो, चाली वाले को मैंने तोड़ दिया, बाकी सारे क्रिस्टल मैंने तोड़ दिए किसी तरह करके। और अभी मेरे को नीचे कैसे उतर है यहाँ से, ओके एंडर पर्ल है हमारे पास, चलो इसको देखते हैं यहाँ से उतर जाते हैं नीचे की ओर। और देख सकते हो हम लोग नीचे उतर चुके हैं, बाकी देख सकते हो एंडर ड्रैगन भी वहाँ बैठ चुका। चलो यहाँ पे जल्दी से चलते हैं उसको किल करने के लिए, अब यहाँ पे इसको ढबाड़ा ढबाड़ा लेने वाले हम लोग। और उड़ गया यार, क्या ही गंदा किस्मत हमारा, उड़ गया वो तो डायरेक्ट। अभी देख रहे हैं इसको हम लोग मारते हैं, अभी मेरे पास खाना भी नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से मैं बहुत बार मरा हूँ, मतलब बहुत बार, अनगिनत बार, इतना बार दिखाऊंगा ना वीडियो, मतलब 40 मिनट का हो जाएगा वीडियो मरते मरते यार। तो बस तो मैं जल्दी भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो फिर देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे को ड्रैगन ड्रैगन पहली बार मिला था नीचे की ओर, यहाँ पर बस मैंने उसको पूछ में लगा के दे डाला, और देख रहा हूँ कितना हेल्थ खा गया मैंने उसका, एक बार में थोड़ा मोटा खा गया, बाकी मेरे को ज़्यादा फूड भी नहीं था। बस इसी टाइम पर अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खा ली थी, बाकी इसके बीच में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मरे, इतना ज़्यादा मरे कि ऊपर वो दिखाऊंगा ना मैं पार्ट, बहुत बेकार होता है। ठीक है, अब बाकी देखो यहाँ पर बस उसकी 1 HP बाकी थी लास्ट लास्ट टाइम पर, उसने उछाल दिया, जहाँ ही बताऊँ अभी 1 HP थी उसकी, मेरे को वापस जाना पड़ा। और इस बार तो मेरा सामान ही मेरे को नहीं मिला इस बार, देख रहे हो ये देखो, मतलब यहाँ पे मैं हाथ से मार रहा हूँ उसको, मतलब सामान गायब कर दिया इसने उछाल के कप्तान की तरफ फेंक दिया। बाकी देखो लास्ट लास्ट में मैंने मारा, इसने भी मेरे को मार दिया, मतलब क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से खत्म हो जाता है अपना एंडर ड्रैगन गाइस। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलना गाइस, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके बजा देना। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और शॉर्ट के अप्लाई नहीं किया जल्दी से अप्लाई कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसकी भी। और आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर गाइस।